शिवराज सरकार में जल संसाधन मंत्री एवं हरदा जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट सोमवार को हरदा पहुंचे, जहां उन्होंने जिला अस्पताल, सिविल लाइन थाना, स्कूल एवं छात्रावासों का निरीक्षण किया और कमियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन एवं मत्स्य विभाग मंत्री एवं हरदा जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट हरदा पहुंचे और जिला अस्पताल, एक्सीलेंस स्कूल, सिविल लाइन थाना तथा आदिवासी बालक बालिका छात्रावास का निरीक्षण किया। बालिका छात्रावास में साफ सफाई एवं दूसरे छात्रावास में टूटी टाइल्स एवं बाथरूम में पानी की व्यवस्था नहीं होने पर मौके पर मौजूद अधिकारियों को तत्काल व्यवस्था दुरुस्त करने का आदेश दिया है। देखो, ये सरकार जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री शिवराज जी करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। हमारा संकल्प है जो समाज से समाज के जो सबसे पीछे सबसे नीचे है उसका विकास हो, उसकी प्रगति हो, तो ही हम समग्र मध्य प्रदेश की विकास की बात करते हैं। सबसे पहले हमारा मध्य प्रदेश स्वच्छ हो, शिक्षित हो, स्वस्थ हो, ये हमारा संकल्प है। निरीक्षण में किन बातों को लेकर आपने निर्देश दिए? आप जानते हैं कि विस्तृत आप मेरे साथ में थे, जो जो कमियां हैं वो आप विलम्ब ठीक करो, जो कमियां ठीक नहीं करेंगे उसको हटा दिया जाएगा। कहां आपको कमियां नजर आई? सब जगह, हर जगह कहीं कुछ कमियां अस्पताल में थी, कुछ छात्रावास में थी, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ उसके महाविद्यालय में पूरा उन्नयन करो, ये बोने बोला। और जो अभी पूरा विश्व का एक बुखार चढ़ा है फुटबॉल का, जो बच्चों फुटबॉल की टीम बनी थी, मैंने क्या मेरे डीएम से कहा है, हरदा के जितने खिलाड़ी फुटबॉल खेलते सबको फुटबॉल दिखाया जाए, एक ही और स्वास्थ्य की सेवाएं दुरुस्त की जाए। जब मैं हरदा में प्रवेश करा सबसे पहले मैंने खुद की अपनी विभाग की कनाल को देखा, जो जो कमियां थी उनको निर्देश दिया और अब मैं जा रहा हूँ। अब जो एक हमको चुनौती है हमारे सामने जल जीवन मिशन, उसका काम युद्ध स्तर पे हो, ये हमारी प्राथमिकता है। जो हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के प्रधानमंत्री का संकल्प है, मुख्यमंत्री शिवराज जी का विश्वास है कि टोटी से मेरी बेटी, मेरी बहन माँ को उनके घर के सामने पानी मिले, इसको हमें इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और आप जानते हैं इसी के साथ जल जीवन मिशन के साथ आयुष्मान कार्ड,
जो एक देश का सपना, मैंने कहा था ना स्वास्थ्य हमारा संकल्प है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो 5 लाख रुपए का निःशुल्क आयुष्मान कार्ड युद्ध स्तर पर बने, वो समाज का जो व्यक्ति जो इसको इलाज की आवश्यकता है वो सारी सुविधाएं उसको मुहैया हो। इसी प्रकार से जो हम अनाज निःशुल्क देते हैं वो समय पे मिले, राशन की दुकान पर जो अन्नपूर्णा योजना है एक व्यक्ति को 1 रुपये किलो 5 किलो अनाज दे रहे हैं वो पूरा मिले और समय पे मिले, कहीं भी गड़बड़ी पाई गई तो इन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, राशन दुकान पे जितने भी हितग्राहियों को राशन मिलता है लेकिन वहाँ से पर्ची नहीं मिलती कि उनको क्या क्या आवंटित किया गया? एक बात सुनो, ये आप मेरे संज्ञान में लाए हो, मैं अभी जिला महोदय को निर्देशित करूँगा, जो पात्र हैं आप मेरी भाषा सुन लो, आप जो 38 देश की कल्याणकारी योजना, मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं का अभी मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चलाया था हमने, जो जो भी पात्र हैं उस हितग्राही को उसका लाभ नहीं मिला, जो भी अधिकारी लापरवाही करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, पात्र व्यक्तियों के साथ सुतला व्यवहार नहीं होना चाहिए और ये हमारा संकल्प है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जिसका नेतृत्व तो मुख्यमंत्री शिवराज जी करते हैं, हमारा संकल्प है हमारा मध्य प्रदेश विकसित हो, विकासशील हो, स्वच्छ हो, शिक्षित हो, स्वस्थ हो, ये हमारी प्राथमिकता है। इसी संदर्भ में आज सरकार देखने आया था, जो जो कमियां लगी उसमें निर्देश दिए हैं, हमारा दावित है जो भी गरीब यहाँ आए उसको इलाज समय पर हो, डॉक्टर उपलब्ध हो, नर्स उपलब्ध हो और दवा हो, यह हमारा। कैसी लगी आपको हॉस्पिटल की व्यवस्था? व्यवस्था में जो कमी है मैंने बोला निर्देश दिए हैं वो, मैंने 10 दिन का समय दिया, उसके बाद फिर आपसे बात करूँगा। हरदा से कपिल घाटे की रिपोर्ट।